हाय, गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे ट्रिप का सेकेंड डे है और आज सुबह सुबह ये सीन देख लो, मतलब कितना मस्त दिख रहा है। अब सुबह तो पूरा फॉग हो गया था, थोड़ा लेट हो गया, अभी देखो। मुझे तो एक्चुअली पूरे 2 2 2.5 ईयर बाद ऐसा चांस मिला है कि ऐसे नेचर के बीच में रह रही हूँ। मतलब पहले मैं इतना ज़्यादा घूमती थी, मतलब हर सैटरडे संडे किधर ना किधर का प्लान बनता था। अभी फिर प्रेगनेंसी, फिर कोविड और ये सब की वजह से सब कैंसिल हो गया था, कुछ भी किधर भी नहीं गई थी। और इस बार इतना अच्छा लगा जाके, और वो भी प्राइवेट वेला बुक करके, इतना मज़ा आ गया। अभी बजे सुबह के 9 और हम लोग अभी जा रहे हैं नाश्ता करने, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने वेला बुक किया है तो कुछ भी नाश्ते का है नहीं सीन। और यहाँ पे अभी कोई भी होटल्स ना इतना जल्दी चालू नहीं होते डिलीवरी के लिए, तो अभी हम लोग सब नाइट ड्रेस में, सिर्फ अभी को छोड़ के हम सब नाइट ड्रेस में। नाइट ड्रेस ही समझ लो, क्योंकि रात को चेंज ही नहीं किया था, इसमें ही सो गया था। बाकी भाई कुछ भी हो, खाना तो जाना चाहिए, खाना के बिना क्या होगा। तो ये देखो मामा भी नाइट ड्रेस में, ये इंसान भी नींद में, इसको तो ऐसे लात मार के उठाया और उठ के आ गया। और ये देखो, ये नाइटी में सब मम्मी मासी मामी को छोड़ के नाइटी में मेरा बच्चू भी नाइटिश में बच्चू आज बहुत ज्यादा फ्रेश फ्रेश है, बताना हाई करो हाय। तो यहाँ पे एक जंग चालू है टेबल के लिए, हम लोग ने हमारे सारे आदमियों को ऐसे लगा रखा है हर दिशा पे और सब ढूंढ रहे हैं कहाँ पे जगह मिलेगी, वहाँ पे बस खड़े हो जाओ। ये 2 टेबल हम लोग ने कैप्चर कर लिया है, अब दूसरे टेबल की बारी है। मतलब भीड़ देखो यार, कितना सारा भीड़ है। और ये लोग बोलते हैं कि टेबल अपने आप ऑक्यूपाई करो, तो अभी हमारे पास 13 लोग हैं। चलो एक टेबल मिल गया, एक टेबल मिल गया। तो हम सबको सक्सेसफुली टेबल मिल चुका है, 3 टेबल मिल गए हम लोग को। एक एक आदमी अलग अलग टेबल पर बैठ जाएंगे, ऐसे हम बैठ सकते हैं? नहीं, मतलब ठीक है भीड़ कम हो गई है, पर टेबल फिर भी नहीं है, मारा मारी तो है ही। अरे मतलब ये क्या, पूरे जमात का खाना लाए है यहाँ पे। अरे बदाम आटे जाने 13 लोग है भाई, अपन 13 4 4 8 बराबर बराबर है, बराबर है। तो हमारा दूसरा वेटर आ गया, एक प्लेट यहाँ रख, बाकी सब लेके जाओ। अरे ये लेके जाना इतना बड़ा, क्यों जाओ मम्मी सर भाई भाई चेने तुम्हें एक्चुअली गगड़ो ना हो जा क्यों लाग्यो मम्मी सर कट्टी है ना भाई भाई मैं इस दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। तो हर्ष क्या आया? चाय चाय। सुनो सुनो सुनो, मैं इसको स्मेल करूंगा और बताऊंगा कैसी रहेगी चाय, ठीक है? और ये सही निकलेगा, निधि भी बताएगी। ये मशीन वाली, देखो मैं ये स्मेल से बता सकता हूँ कि इसमें इलायची है, दूध कम है, पानी ज्यादा है, कड़क इतना नहीं है, पर ठीक ठाक है। चाय में फर्क क्या ना, वो पतली है चाय। अभी निधि पी के बताइए, निधि पी के बता। बड़ी जजमेंट है, लेट्स सी। जो मैंने बोला वो सही है कि नहीं वो देख ले। इलायची है, तू सही है इलायची के मामले में। अरे भाई, अरे यार रुको भाई, मेरा बच्चा बहुत डिस्टर्ब करता है मेरे को। आ जाए इधर, जनता रुकी हुई है। पढ़ाओ सर ना, तो बस गर्म पड़ से ना ऊपर। अब फाइनली जीजू ने ले लिया रियान को, अभी निधि टेस्ट करेगी। क्या मैंने बोला था वो सही था? हाँ, जब पतली है और ज्यादा अच्छी बन सकती है। ये वो मशीन वाली चाय रहते ना, वैसा लग रही है। ये ओवररेटेड है, बुआची मिसर। बुआची निगा जी निगा। थोड़ा ओवररेटेड है, ओवररेटेड है, लोग ज्यादा इसलिए उनको देख के और लोग आते हैं। हाँ, और अगली बार कभी नहीं आते। मिसल जैसे आएगा ना, वैसे सब हल्दी की स्मेल आएगी। तो हमारा तो सब हमने पार्सल कर लिया है जीपीएस के लिए, अभी जीपीएस खाएंगे। इधर चैलेंज लगा हुआ है कि जीपीएस जो घर पे बैठे थे वो ना के आए, ना लिए होंगे कि नहीं, क्योंकि वो घर पे इसलिए बैठे थे क्योंकि उनको उन्होंने बोला कि मैं ना के रेडी रहूं। तो जीपीएस ना आए कि नहीं ना आए? बैठ कौन जीता, मासी या हर्ष? हर्ष। यस, जीपीएस नहीं ना है, मतलब 500 रुपए दे रही है। चलो दे दो दे दो।
फाड़े चल मेरे को दे चल। अरे ऐसे चैलेंजेस तो मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी पता था जीपीएस नहीं ना आए होंगे। पति पे बहुत भरोसा है भाई, पति देव पे भरोसा। क्रैब है इसमें, क्रैब। और अभी सिर्फ 15 मिनट्स बचे चेकआउट के लिए, तो एक लास्ट टाइम भी स्विमिंग कर ही लेते, फिर कहाँ करेंगे, फिर जाना है। सुल्तान भाई निकाल रहे किकड़े को। मर गए, 11 बजे का चेकआउट टाइम है और ये भाई को देखो, 11:15 बजे स्विमिंग पूल में नहा रहा है। और अभी हर्ष भी आने वाला है। किधर है भाई तू, आ रहा है कि नहीं? पनवेल, वो पनवेल, इसका नाम ना पनवेल रख दिया क्योंकि हर चीज में पनवेल जाना है करते रहते हैं। ये बच्चे को भी देखो कितना मजा आ रहा है, बच्चा। कुजा भाई कुजा, एक बार ठंडा लगेगा फिर पूरा गर्म हो जाएगा। और ये दोनों को देखो, ब्रोस बाहर आ जाओ ब्रोस। प्रांशु गया है अपनी मम्मी को बोलने कि मेरे को क्यों नहीं जाने दिया पूल में। चल भाई कूद, चलो एक बार में। ओ बाबा, ओ शॉट है, शॉट है, शॉट है, एक बार में गेम ओवर। इट्स ओके ब्रो, हैपेंस। प्रांशु जियान को गुस्सा आ गया कि उनको स्विमिंग पूल में नहाने नहीं दिया और ये दोनों बड़े लोग चले गए। मम्मी के परमिशन लेनी नहीं पड़ती ना इन लोग को, इसलिए वरना इन लोग की मम्मी भी ना ही बोलती थी कि ना। चेकआउट का टाइम हो गया, बहुत मस्त टाइम स्पेंड हुआ यहाँ पे। थोड़े झगड़े वगड़े भी हुए, वो सब बाद में बताती हूँ। पर ये विला है देखो, यहाँ पे हम लोग रुके थे। होम टूर नहीं दे विला टूर नहीं दे सकती थी, उसका रीजन भी बाद में बताती हूँ। तो अभी हम लोग सब यहाँ पे फोटोज लेने वाले, मतलब ये बैकग्राउंड में सब फोटोज लेने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड सेट कर रहा है ताकि हम लोग हमारा फैमिली पिक्चर ले सके। बच्चों हाय बोलो सबको। पीछे से हाय किया उसने, बहुत आलसी हो गया है। तो अभी वहाँ पे ट्राइपॉड सेट कर रहा है और ये लोग देखो यहाँ पे रेडी है पोज के साथ अपने। चलो चलो फट चलो, टाइमर सेट कर और भाग के आ जा, आना है तेरे को ये पोजीशन। ओके, लास्ट टाइम हम लोग जो गेटा बकरा पॉइंट जाने वाले थे और नहीं पहुँच पाए थे, आज फिर से जा रहे हैं हम लोग। और आज ऐसे लग रहा है कि हम लोग पहुँच जाएंगे क्योंकि आज ट्रैफिक कम है, पता नहीं कैसे संडे होके भी आज ट्रैफिक इधर कम है लोनावला में। 1:40 तक पहुंच जाएंगे अप्रोक्सीमेटली, उधर फिर चीज पकौड़ा खाएंगे। ये सीन है अभी के लोनावला में, एंटर करने के लिए फिटनेस भी चाहिए क्योंकि दोनों गेट्स बंद है और इधर से एंट्री ऐसा बोल रहे। मम्मी कहीं थे चढ़ीस मोरिया बारो चलो, ये दोनों तो फिट आ जाएंगे, अपन सीधा पुष्का मारेंगे नीचे। गणपति बाप्पा मोरिया। अरे मम्मी पापा की परमिशन तो लो भाई। वो बोलते टाटा बाबा है, खत्म, फिनिश, समाप्त, ओवर। मैं बैठ गया, आप जो करना है करो। सस्ते धूम चले धूम। जंगो मंगो आए, सब जगह कोरा ही कोरा मचा है। अरे ओ छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लो खत्म, देखो मजा आई भी। अभी बोल रहा था कि देख इधर किधर कोई यूट्यूबर दिखता, तो मैंने बोला अपन ही तो है,
तो देख सोच अपन थोड़े टाइम बाद ऐसे ऐसे थोड़े टाइम बाद आएंगे तो सब अपना फोटो लेने फोटो में साइन लेने आएंगे। अरे वाह ये गाड़ी वालू आ गए ऑटोग्राफ बोलते हैं और फिर मैंने उसको बोला कि भाई तू बहुत दूर का सोच रहा है। हमने हमारा सेटअप किया पूरा और यहाँ पे व्यू का मजा लेके हम लोग मस्त खाएंगे। वो जो था वो ब्रेकफास्ट था, अभी ये ब्रंच है। हाँ और लंच भी बाकी है। मतलब घूमना फिरना क्या होता है भाइयों में? खाना होता है। खाना है। हम गुजराती लोगों के लिए तो यही होता है। कौन सा बनाओ? कांदा, कौन चीज, आलू, कौन अने चीज कर दो? मैगी तीन कर दो। बधा कंट्रोल कर जो आराम थी बधा ने मर से ओछू तो अजी मंगाऊ छू। मैं और प्रांशु कैमल पे बैठ रहे हैं। वो भी किसको लेके पता है? ये बच्चों को लेके बैठने वाले हम लोग कैमल पे। विशाल रिकॉर्ड करना प्लीज, थोड़ा अच्छे से करना प्लीज प्लीज। अभी जैसा भी वीडियो आए मैं कुछ नहीं कर सकती, विशाल ने रिकॉर्ड किया है, सॉरी। कैमल राइड में जो मजा आ गया ना, रियान भी बीच में चिल्ला रहा था, अरे क्या मच्छी मार्केट चल रहा है भाई इधर इधर, इतना ट्रैफिक है यहाँ पे। और अभी हम लोग ये पूरा ये क्रॉस करके निकले, पता नहीं शायद अभी भी पॉइंट बंद लग रहा है, गेट तो बंद है और ऐसे एंट्री दे रहे हैं लोग। अभी हम लोग हमारी कार का वेट कर रहे हैं और इतना ज्यादा ट्रैफिक है, देखो अभी इसमें से हमारी कार आएगी तब तक वेट करना है। तो यहाँ पे जो पूरा ट्रैफिक है ना ये इसकी वजह से होता है। यहाँ पे जो भी स्टॉल्स वाले रहते हैं वो अपने कस्टमर को खींचने के लिए सब पार्किंग का आदेश देते हैं और फिर पूरा ट्रैफिक जाम करवाते हैं पूरा। अभी देखो 10 मिनट ये बंदा पार्क करेगा तब तक 10 मिनट के लिए रास्ता बंद। अभी एक घंटा हो गया है और हम लोग हमारी कार के लिए अब तक वेट कर रहे हैं, कार आई नहीं है हमारी। धीरे धीरे फॉग होने लगा है, देखो उधर से धीरे धीरे धुआं आ रहा है। अभी जब पूरा कवर हो जाएगा ना फिर मैं तुम लोग को दिखाती हूँ वापस क्यों। तो ये देखो फॉग नज़दीक आ गया है, अभी हमसे नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे ये पूरा कवर होने वाला है। अभी फिलहाल का सीन देखो और फिर थोड़े टाइम बाद दिखाती हूँ वापस। तो अभी तो हमारा कार आ गया और सिचुएशन देखो पूरा फॉग हो गया अचानक से। मैंने पहले दिखाया था तब कैसा था और अब देखो। अभी अभी जाने वाला है वो, उसको तलेगांव जाना है क्योंकि उसको डिग्री सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है। तो अभी वो इधर से उतर के हमसे अलविदा ले रहे हैं। बाय बाय। नो ऑप्शन डूड, वरना उसको कल अलग से वापस आना पड़ेगा यहाँ पे सर्टिफिकेट लेने के लिए। मैं रुका हूँ इधर लोनावला बस स्टॉप पे क्योंकि यहाँ पे ओला नहीं है, उबेर बहुत एक्सपेंसिव है मेरे को तलेगांव जाने के लिए, 500 रुपीज़ ले रहा है मतलब 20-30 किलोमीटर्स के लिए। तो मैंने सोचा कि बस से आ जाओ सर, तो इधर बस स्टॉप पे आया हूँ, देखते हैं बस मिलता है तो। फर्स्ट टाइम आज मतलब बस स्टॉप से बस पकड़ के जा रहा हूँ बस डेपो पे। मुंबई में बहुत पकड़ा है बस पर, ऐसे लोनावला पुणे में कभी बस से नहीं गया हूँ। तो यहाँ पे सब बस आ रही है, मेरी बस नहीं आ रही है, सब मुंबई के लिए बस है, चार की चार। मेरी बस कब आएगी इनसे एक आदमी से पूछा, इनसे तो बोल रहे कि अभी थोड़े टाइम में आएगी, इधर ही आएगी शायद से। मेरी बस आ चुकी है, पूछ ले तो एक बार। चलेगा उतर गया हूँ अभी, ये तो हाईवे पे मेरे को अभी अंदर जाना है। अभी इधर का भी लोचा जाना है कैसे, उसने बंद भी नहीं करने दिया मेरे को दरवाज़ा। चालू कर दिया, चालू में धक्का मारा दरवाजे को। लेट्स सी, यहाँ पे लिफ्ट मांग के आगे पहुँचते अपन, लिफ्ट ले देते यहाँ पे लोग। तो एट लास्ट हमारी ट्रिप खत्म हो गई, सब उतर रहे अपने अपने घर जाएंगे।
बाय बाय। और रियान इतना सो गया था लास्ट एक घंटा, तो मैं भी सो पाई, वरना पूरे ट्रिप में इतना मस्ती किया उसने पूरे रिटर्न बस में। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय टोपा। घर जाते हैं अभी, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने जन्मों बाद जा रहे हैं, पर दो ही दिन हुए। चलो भैया।